Now, in the science, the chapter second, plants and animal. Today we will discuss about the breathing and reproduction. What is breathing? Breathing होता है सांस लेना. Animals like tigers, whale, monkeys, etc. breathe through their lungs. मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो बड़े जंतु होते हैं जैसे टाइगर है, व्हेल्स है, मंकीज है, बंदर है, मनुष्य है, सभी लंग्स मतलब फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स. मछलियाँ जो होती हैं अपने गिल्स गलफड़े द्वारा सांस लेती हैं. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड स्किन. अब मेंढक के अंदर दोनों सिस्टम लगे रहते हैं. वो लंग्स भी जमीन पर आएगा तो लंग्स से सांस लेगा और पानी के अंदर रहेगा तो स्किन से सांस लेगा. एंड इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज काकरोच हैव टीनी होल्स अंदर बॉडी विच हेल्प देम टू ब्रीथ. बोल रहा है कि जो इंसेक्ट्स हैं जो कीट पतंग होते हैं जैसे तितलियाँ हैं काकरोच हैं और बहुत सारे जो कीट पतंग हैं इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जिसके सहारे से सांस लेते हैं. प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा. पौधे जो है वो श्वसन क्रिया करते हैं उनके अंदर पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं और उसके द्वारा ये सांस क्रिया करते हैं या सांस लेते हैं. अनदर पॉइंट इज रिप्रोडक्शन. तो एनिमल आइदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस अर्ली एग्स फ्रॉम द विच दे यंग वंस हैच आउट. मतलब क्या हुआ रिप्रोडक्शन मन होता है प्रजनन कि सभी जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं. कुछ जंतु बच्चे देते हैं यंग वंस को पैदा करते हैं और कुछ जो है अंडे देते हैं. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड. और पौधे क्या देते हैं बीज देते हैं. उन बीजों से नए पौधों का जन्म होता है. आपने देखा होगा बीजों को हम लोग जमीन के अंदर दबा देंगे थोड़ा नमी रहेगी तो उससे नए पौधे का छोटे छोटे पौधों का जन्म हो जाएगा. देर आर सम प्लांट विच ग्रो फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए प्लांट. लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जन्म बीज से ना होकर उसके स्टेम से हो जाएगा तने से हो जाएगा. तना काट के लगा देंगे जैसे आपने गुड़हल का फूल का देखा होगा तना लगा देंगे नए पौधे का जन्म हो जाएगा. गुलाब का फूल देखे होंगे. और कुछ पौधे के रूट से नए पौधे का जन्म होता है. फॉर एग्जांपल रोज प्लांट ग्रो फ्रॉम द स्टेम. जैसे हम लोग गुलाब मतलब अभी समझाया गुलाब के फूल को हम लोग यदि पौधे को हम लोग उसकी टहनी लगा देंगे शाखा लगा देंगे तो नए पौधे का जन्म हो जाएगा. स्वीट पोटैटो मतलब जो गंजी होती है इसके हम लोग रूट्स को लगा देंगे तो नए पौधे का जन्म हो जाएगा. नाउ पुट अप ए क्वेश्चन. व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक फूड फॉर द प्लांट. पौधों को भोजन लाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है. आपको मैं समझाया था एयर है वाटर है और सनलाइट है. इसका आंसर ये आप लिख दीजिए. द प्रोसेस का नाम क्या होगा फोटोसिंथेसिस. थैंक यू. वी आर मीट इन द नेक्स्ट क्लास.